हेलो दोस्तों, धनुष अकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? और अभी तो अगस्त महीना 2021 का तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। निफ्टी ने नए नए हाई भी बनाए ये साल में, ये अगस्त महीने 2021 में। सो बहुत ही अच्छा रहा मार्केट भी, और मार्केट नई नई ऊंचाई भी छू रहा है। साथ साथ में आईपीओ मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में भी धूम मची है। एक से एक आईपीओ आ रहे हैं और काफी आईपीओ वेटिंग में, और टिल दिसंबर भी, दिसंबर तक काफी दिग्गज दिग्गज आईपीओ आने के एक्सपेक्टेड है। सो आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक सर्विस के बारे में, ये 2010 में कंपनी शुरू हुई है और डायग्नोस्टिक चेन ऑफ इंडिया में इनकी ग्रोइंग है कंपनी। और कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है सच एज इमेजिंग, रेडियोलॉजी सर्विसेज, एक्सरे, एमआरआई, ये सारे रूटीन क्लिनिक, लेबोरेटरी टेस्ट, पैथोलॉजी, टेलीकार्डियोलॉजी सर्विसेज, और प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल मेडिकल कॉलेजेस में, कम्युनिटी में ये दे रहे, ये सर्विसेज दे रहे इस तरह की। द फर्म हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर अक्रॉस इंडिया एंड की फोकस नॉन मेट्रो एंड लोअर टायर सिटीज एंड टाउन्स। एज दिसंबर 31, 2020 इट ऑपरेट्स 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर इनके पास है, और एक रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज दे रही है अक्रॉस डिफरेंट 13 शहरों में दे रहे हैं इंडिया के। और बहुत ही अच्छा है, काफी सर्विस दे रहे हैं ये पेशेंट को और बहुत अच्छे क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं, कॉम्प्रेसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विस है इनके पास, इमेजिंग है, पैथोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी विथ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटेंसिव मार्केट फुटप्रिंट्स इन 13 स्टेट अक्रॉस इंडिया में, इनके स्टेट के अंदर इनके सर्विस सेंटर है। कॉन्स्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, बहुत ही अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के प्रमोटर्स है राजेंद्र मोथा, कंपनी के मेन प्रमोटर है गाइस। ये कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। सो ये फाइनेंशियल है 2019, 20 और 21 का। सो 2 साल नेगेटिव भी रहे और ये साल इनकी रेवेन्यू बहुत बड़ी है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, बट होता है, अभी बिजनेस कोविड की वजह से ऊपर नीचे चलता है, बट फाइनली अच्छा ही आईपीओ लग रहा है। द नेट प्रोसेस फ्रॉम द आईपीओ विल बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू देख लेते हैं, फाइनेंशियल। द फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स एट पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इतनी जगह पे ये नए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सेंटर्स। एंड रीपेमेंट, प्री पेमेंट और फॉर्म्स बोरोइंग फुल्ली पार्शली, रीपेमेंट प्री पेमेंट करना चाहते हो। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ है जो जनरली रहता है। कब ओपन होने जा रहा है? 4 अगस्त 2021 को ओपन होने जा रहा है, क्लोज होगा 6 अगस्त को होगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, ₹5 पर शेयर इक्विटी फेस वैल्यू है। प्राइस इसका मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, 933 से लेके ₹954 पर इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। ₹5 फेस वैल्यू भी है, फिर भी मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लॉट साइज 15 शेयर्स का है, मिनिमम ऑर्डर भी 15 आप कर सकते हैं। बीएससी एनएससी में लिस्ट होने वाला है। और आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं। पहले ही मैंने कहा 4 अगस्त 2021 को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 6 अगस्त 2021 को। अलॉटमेंट होगा 11 अगस्त को, जी हाँ 11 अगस्त को अलॉटमेंट होगा, रिफंड होगा 12 अगस्त को, रिफंड होगा, क्रेडिट आपके शेयर्स में डिमेट हो जाएंगे 13 अगस्त को, और 17 को लिस्टिंग होने जा रहा है। डेट भी अच्छी चुनी है, 17 अगस्त 2021 की डेट है, याद रखिएगा। और मिनिमम शेयर्स आप ले पाएंगे, वन लॉट 15 शेयर्स ले पाएंगे ₹14,310, मैक्सिमम 13 लॉट ले पाएंगे, 195 शेयर्स आपको मिलेंगे, ₹1,86,030 का मिलेगा। अब काफी लोगों के प्रश्न रहेंगे, सर इसमें अप्लाई करें या नहीं? तो 1 लॉट के लिए रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन की अपेक्षा नहीं है, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लंबे अवधि में मुझे नहीं लगता कि इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर इसी कैटेगरी के सेक्टर के शेयर्स ऑलरेडी
अवेलेबल है काफी सारे, उसी में मैं पहले जाना पसंद करूंगा जो ब्रांडेड कंपनीज भी है। सो फिलहाल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा लिस्टिंग गेन जरूर मिल सकता है। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बातें कर रहा हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें। आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से ओपन कर दीजिए ताकि आपके पास डीमैट अकाउंट हो तो आप नए आईपीओ जरूर खरीद पाएंगे। शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आया होगा इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।